हमारे दर्शन सर मस्त कुल्फी चूस रहे थे, इधर कुल्फी खाते खाते बंदे को मारे फन करके, मतलब वो भी कैसा पीछे सारे फन करके उड़ा रहे, गिर गए भाई पीछे पीछे दो बंदे चले गए। अरे क्रांति ऐसी मूवी है ना, वन लाइन में बोलूँ ना, इंटरेस्टिंग एक्शन पावर पैक है। यस फुल पावर पैक ना, इतना है कि पूरा पकड़। बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों क्रांति, जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्रीज की मच अवेटेड मूवी क्रांति आज रिलीज हो चुकी है दोस्तों। डी बॉस जिसको कहते हैं हम, चैलेंजिंग स्टार, तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे टॉम और जेरी भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे हमारे मतलब पूरे व्यूअर्स को सच में, और सबसे हैप्पी करो साथ में रिपब्लिक डे है तो। इसलिए आज फ्रेंड्स को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूंगा, बस ऐसे आजादी के दिन जीते रहिए और खुश रहिए। आजादी का दिन नहीं रहा आज, भागे थे अंग्रेज लोग छोड़ के, अंग्रेज लोग छोड़ के भागे थे आज, खदेड़ा गया था अंग्रेज लोगों को। तो चलिए आइए, आजादी के मौके पे एक मूवी आई है क्रांति दर्शन सर की, तो चलिए आप लोगों ने फाइनली जाके देखा कनाडा में, तो चलिए आपसे जानेंगे कि आपको कैसी लगी ये मूवी। तो जैसे आपने देखा इंट्रो में, तो हमने सुना कि हम कौन सी मूवी देख के आए, थोड़ा शाम हो गया एक्चुअल में, हम लोग सुबह नहीं जा पाए मूवी, तो थोड़ा मतलब लेट जाके शो देखे और हम लोग अभी आके रिव्यू बनाए। तो मैंने देखी कनाडा की, बोला कल का पठान डे था, तो मैंने जैसा बोला कि 26 तारीख को मैं जाएगा क्रांति देखने, हम देखने जाएंगे क्रांति। और हम हिंदी में तो रिलीज नहीं हुई, पर वो अपनी लैंग्वेज हो गई कनाडा लैंग्वेज में। तो अभी मूवी की बात करूँ दर्शन सर की, पहली बार बड़े पर्दे पे देखा है, और एक लाइन में बोलूँ फाड़ दिया भाई ने, फाड़ दिया। बोले तो यार कन्नड़ ऐसा जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना मूवी का, वही मिल रहा है यहाँ पे सब। और इससे मालूम पड़ रहा है कि वो क्यों इधर के चैलेंजिंग स्टार है, क्योंकि वो हर विलन को चैलेंज करते हैं कि तू साले यार मैं तेरे को देखता हूँ। अरे क्या सीन बनाया यार, क्या मतलब एंट्री सीन, स्टोरी बहुत ही अच्छी, स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी बनाई है, और ये स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है, गाँव के हिसाब से जो मूवी बनी ना बहुत अच्छी तरह से बनाई है। कि सरकारी स्कूल पे मतलब बना दिया है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि हिंदी में आए मूवी, ताकि मेरे मुँह से ज़्यादा निकले ना। हिंदी में तो निकाले नहीं अपने, हिंदी में गाने निकाले पर हिंदी में रिलीज नहीं कर रहे, ये बात है, पर ये निकालो हिंदी में भी। बात करूँ दर्शन सर की एंट्री, जो सूट के आके जो गाड़ी में से उतर के सूट के माफिक चलते हैं, यश की याद आ गई जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते सूट में, और यहाँ पे गाड़ी में उतरते, यार मज़ा आ गया। मैं तो बोलता हूँ वहाँ पे किस चीज़ का उन लोगों का भेदभाव रहता है क्या मालूम, स्टारडम का, स्टारडम देखने गए थे शाहरुख सलमान के फैंस, पठान देखने आए कि नहीं, इसको बोलते हैं वहाँ पे मिल बांट के देखने चाहिए मूवीज। हम लोग ने कल पठान देखा, आज बोले कि चलो क्रांति देखते। दर्शन सर का एक्ट थोड़ा मतलब फर्स्ट हाफ की बात करो, फर्स्ट हाफ का जो लव स्टोरी पार्ट जो बताया ना, बहुत खींच दिया, मतलब 20 मिनट थोड़ा मतलब खींच दिया, कॉमेडी था, और जो कॉमेडी जो कर रहे हो कनाडा के जॉनी लीवर है, मतलब समझ लो, और यश की पिक्चर भी बहुत आए, गुगली में भी आए, मिस्टर रामाचार्य में भी आए, देखा है मैंने उनको, तो अच्छे तरह से कॉमेडी, और उनको कनाडा के जॉनी लीवर ही बोलते हैं वैसे। 20 मिनट ज़्यादा खींच लिया, पर जब एक्शन पे आते हैं, हमारे दर्शन सर का नाम क्रांति है, इतने मालूम पड़े क्रांति पिक्चर का नाम क्यों है, कि उनका नाम ही क्रांति है। जब वो एक्शन सीन एक सीन आता है कि वो एक जो कांतारा का विलन है उसको मारने के लिए गुंडे आते हैं, और जो हमारे दर्शन सर मस्त कुल्फी चूस रहे रहते हैं, इधर कुल्फी खाते खाते बंदे को मारे फन करके, मतलब वो भी कैसा पीछे सारे फन करके उड़ा रहे, गिर गए भाई पीछे पीछे दो बंदे चले गए, अरे मारे से मेरे का शॉट है, और एकदम स्टाइल में चलते चलते बोला सर का एक्शन याद आया इसमें, मतलब अभी कैसे लफड़े होते हैं कुछ होते हैं, तो कैसा एकदम खुन्नस में तेरी बाकी तेरी दर्शन एकदम कुल्फी चूसा ए फन ये फन, अरे माँ क्या सीधा फोड़म फाड़ी कर रहे हो एक्शन। पर एक अच्छा सीन लगा मेरे को, मालूम है सिटी मेरी कब बजी, जब एक सीन है जहाँ पे वो एक दुपट्टा लेके एक बंदे को ऐसा पकड़ते और वो पीछे से ऐसा स्लो मोशन में गिरता और स्लो मोशन में ऐसा दुपट्टा छोड़ते, वो क्या सीन शूट किया था, क्या किया है यार, मतलब वो तो फास्ट मोशन में क्या रहेगा, पर जब बनाने का जो एडिटिंग करके स्लो मोशन में बनाया ना, मज़ा आ गया एकदम फुल। फिर उसके बाद इंटरवल पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था लोगों ने, बहुत एकदम मतलब गुजबम वाला सीन बनाया था, वो हीरोइन के पीछे गुंडे भागते और वो जो एक्शन सीन बताया, जो कुछ लोग उधर भगवान शिव को कुछ लोग पूजा चढ़ाते हैं कुछ एक करते हैं, वहाँ पे एक्शन सीन होता है, क्या मजबूत सीन बनाया था। और फिर वो आता है वही वाला सीन इंटरवल पार्ट में आता है, वो तलवार वाला सीन, वो सब चाकू लेके खड़े रहते हैं, अरे यार मजबूत, व्हाइट टी शर्ट में डैशिंग, बोलते इनको चैलेंजिंग स्टार नहीं, इनको डैशिंग स्टार बोलना चाहिए यार, एकदम बोले तो एकदम ऑसम दिख रहे, इसमें डैशिंग ही दिख रहा है। यस बॉडी तो उन्होंने गाने में बताया, फिर सेकेंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग बना है। फर्स्ट हाफ बोले तो एक्शन है, थोड़ा लव स्टोरी पार्ट है, पर सेकेंड हाफ पूरा स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट किया है, लव स्टोरी पे नहीं पूरा स्टोरी पे किया, बहुत अच्छी स्टोरी भी बनाई है, एक्शन पार्ट भी बहुत अच्छा बना है, और क्लाइमैक्स बास्केटबॉल वाला,
ऐसा आते हैं पूरा स्लो मोशन में धुआं में, अरे मजबूत क्या एक एक सीन पे, मतलब एक एक सीन पे ऐसा स्वैग भी दिया है ना एंट्री के साथ, बंदे सीटी मारी, मैं कुछ सीटियाँ मारी, डायलॉग कुछ नहीं समझा, कन्नड़ लैंग्वेज में पिक्चर देख के आया, हिंदी में तो निकली नहीं, कन्नड़ में देखा, बट जो स्वैग के साथ एंट्री मारा है दर्शन के पहली बार पढ़ रहे, बोला क्या छा गया इस पर, हालांकि अभी हिंदी में निकली अच्छी अच्छी बात है क्योंकि वो पब्लिक देख नहीं पाएगी क्योंकि पठान की वजह से स्क्रीन नहीं मिलता, पर मैं चाहता हूँ कि अगले महीने तक आ जाए हिंदी में, क्योंकि वेट कर रहे हैं देखना हम लोग, जैसे दमन आ रही है अभी हिंदी में अगले हफ्ते, तो वैसे आप लोग भी निकालो क्योंकि देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है सच में, क्रांति इज अ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर एकदम स्टोरी, ऐसा नहीं सिर्फ एक्शन ही है, स्टोरी लाइन भी है, स्टोरी लाइन भी बहुत कड़क बनाई है। बाकी जेरी भाई बोलते हैं, क्रांति अभी कैसा, कल हमने पठान देखा था तो कैसा, मेरा तो शिफ्ट था इसकी वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा टॉम भाई को भी, क्योंकि मैं तो सुबह पठान देखा फिर रात को शिफ्ट गया और अभी आया दोपहर को, तो फिर शाम को हमने क्रांति देखा, सुबह मतलब दोपहर को गए देखने ऑफ कोर्स। तो जैसे कि साल की शुरुआत तो साउथ की इंडस्ट्री ने अच्छा खासा धमाके से दिया, जैसे कि चिरंजीवी सर ने दिया, फिर विजय तलपति ने दिया है, फिर और अजीत कुमार ने भी दिया है, और मेन बालाया सर, मतलब साल की शुरुआत बहुत अच्छा गया, और इसके बाद अभी पठान, मतलब एक बॉलीवुड के बाद एक साउथ की मूवी आई है जो क्रांति है, जो चैलेंजिंग स्टार दर्शन जो रोल कर रहे हैं। इनफैक्ट बोलना चाहूँगा ना, क्रांति ऐसी मूवी है ना, वन लाइन में बोलूँ ना, इंटरेस्टिंग एक्शन पावर पैक है, यस फुल पावर पैक ना, इतना है कि पूरा पकड़ के रखेगा आपको, इतना एक्शन है, क्या स्वीट सा बोला ना, इतना प्यारा सा स्टोरी है उसका, एक छोटा सा गांव, मतलब इतना मैं बोलूंगा नहीं, बस पब्लिक करना ही नहीं है वैसे भी, पब्लिक को इतना बोलना अच्छा हुआ, जाके देखो, एक बार देखोगे बार बार देखोगे, ऐसा पिक्चर है। इसके लिए मैं स्टोरी के बारे में कोई बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने गाना हिंदी में निकाला तो पिक्चर भी हिंदी में निकालो, ताकि पब्लिक और अट्रैक्ट हो, अभी तो नॉन हिंदी में है तो पब्लिक को इतना समझेगा नहीं, बट डैशिंग स्टार, चैलेंजिंग स्टार, डैशिंग भी हो तो डैशिंग क्या दिखते हैं सूट बीट में, एक गाने में माशाल्लाह, वो गाना कौन सा है उसमें बॉडी दिखाया, हॉले हॉले क्या मजा आया भाई उनका बॉडी देख के, इनफैक्ट इतना बल्क बॉडी और इतना स्मार्ट हैंडसम, अरे यार मतलब उनको देख के इंस्पिरेशन आ गया, अभी लगता है अगले महीने जिम जाना पड़ेगा, मुझे लगता है जिम खतरनाक, और उसमें से सबसे बेस्ट वॉक जब वो फॉर्मल्स में आता है वॉक, मतलब इनफैक्ट है ना, मैंने बहुत सारे मूवीज में देखा साउथ में ना, जब कोई फॉर्मल्स पहन के आता है ना, लोगों का स्वैग एकदम अलग वाइज से दिखाते हैं, जैसे कि मैंने इसके एक अभी यही मंथ में विजय तालापति का जो कोर्ट में वो फॉर्मल्स में चल के आता है वो सीन अच्छा लगा, प्लस उसके बाद अभी क्रांति में देखा मैंने, अरे क्या माशाल्लाह, मतलब साउथ वाले के पास दिमाग एक एक नंबर है, स्वैग दिखाना हो ना तो कैसे भी दिखाएंगे, बट एक नंबर दिखाते हैं स्वैग, और हालांकि स्टोरी है ना बहुत स्वीट सा सिंपल सा, कुल्फी चुस्ते चुस्ते वाला एक्शन मेरे को यार मैं आज तक मैंने नहीं देखा भाई ऐसा एक्शन, आज तक का वाला सीन है जो एकदम स्लो मोशन में से छोड़ता है, इतना प्यारा सीन बनाया ना कि पागल हो जाए देख के, फिर एंड में क्लाइमेक्स का एक बास्केटबॉल का सीन है, तो बहुत सारे ऐसे सीन है, बस खाली पब्लिक को इतना बोलूंगा जाके देखो, नहीं पागल हुआ ना हम दोनों का नाम बदल दो कन्नड़ लैंग्वेज में, पर हिंदी में वेट करो, और मैं खास बोलूंगा शेयर करो वीडियो ताकि हिंदी में जल्दी आए, हिंदी में डायलॉग सुनना है, एक्शन है, स्टोरी लाइन भी समझ गए क्या है, पर रिवील नहीं करेंगे, वो एक स्कूल की ऊपर है मालूम है, पर रिवील नहीं करना है, रेटिंग 10 में से 10 लॉस, एकदम बोलो स्टोरी लाइन भी एकदम स्ट्रांग है, स्वैग है, एक्शन है, कॉमेडी में कॉमेडी वाले भी एक्टर जो कॉमेडी भी किए हैं वो मालूम है, आजू बाजू जो कन्नड़ वाले लोग बैठे हो लोग हंस रहे थे, हम लोग भी हंस रहे, बोला कुछ कॉमेडी क्या रहेगा, जो डायरेक्टर समझे ने पर कॉमेडी क्या रहेगा उन्होंने, और हीरोइन भी बहुत अच्छी स्वीट दिख रही है, वो नाम याद नहीं आ रहा क्या है, कुछ पहली बार देख रहा हूँ कि कन्नड़ में सब पहले पहले वाले लोग को ही देखते हम लोग, नहीं तो बहुत ही अच्छी स्वीट दिख रही है, बाकी स्टोरी लाइन भी अच्छी है, स्वैग है, एक्शन है, दर्शन सर तो पूरा एकदम बहुत डैशिंग लग रहे, बहुत मज़ेदार लगा मूवी, बस वीडियो को शेयर करो सब्सक्राइब भी करो साथ में, हालांकि सेम सीन मेरे साथ भी हुआ क्योंकि मैं खुद तेलुगु से बिलोंग करता हूँ और जो साउथ वाले हैं उनको तो पता ही तेलुगु और कन्नड़ा में बहुत फ़र्क है समझना, तो जैसा बाजू वाले हंस रहे तो उसके उन लोगों को देख के हम लोग की हंसी निकल रही, बस ऐसा नहीं कि सीन को भी देख के निकल रहा है हंसी, बट जो डायलॉग रहते हैं ना वो चीज़ में हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, पर बाजू वाले को देख के हम भी हंस रहे थे वैसा है, बस इतना बोलना चाहूँगा स्टार की रिगार्डेड 5 out of 5, दर्शन सर के लिए 10 out of 10, पूरा अंगार लगा दिया भाई, उतना स्मार्ट हैंडसम, और स्टोरी तो 10 out of 10, स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत कड़क स्टोरी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।